बारिश के कारण हमें काफ़ी देर रूम में ही वेट करना पड़ा, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि बाइक पे निकल पाना काफ़ी मुश्किल था। गाड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी सारी बंद थी। तो हमारे साथ रूम में और भी लड़के जो है वो रात में आए हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल सो रहे हैं, तो हम फ़िलहाल निकलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम आ चुके हैं हड़सर में, फ़िलहाल बाइक हमने पार्क कर दी थी, तो अभी फ़िलहाल आगे जा रहे हैं पैदल। यहाँ से पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बाइक और गाड़ियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो मौसम आपको पता चल ही रहा होगा कि मौसम कैसा है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मौसम अभी भी। तो ये देख सकते हैं, आपको देख के पता चल रहा है। और यहाँ पे लंगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ये देख सकते हैं। और भी आगे काफ़ी सारे लंगर हैं, और ये लंगर है उन्ना वालों का। भाई उन्ना वाले छा गए थे, देखो जी उन्ना वालों का लंगर भाई जा रहे हैं। ए भाई उन्ना वालों के लंगर, भाई ये है उन्ना का लंगर जो है हड़सर में, जहाँ से यात्रा वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह भी है, ये देख सकते हैं उन्ना साइड। फिलहाल ये एरिया जो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, और यहाँ पे लंगर जो है वो 11 तारीख तक चल रहा है। अभी फ़िलहाल 11 तक ये लंगर जो है वो उन्ना की तरफ से चलेगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, ये देख सकते हैं बैक साइड में। अभी हमारा सफ़र जो है वो इस साइड रहेगा, और मौसम जो है काफ़ी चेंज है फिलहाल। अभी देखते हैं कहाँ तक सफ़र हो सकता है। सुबह बारिश काफ़ी ज़्यादा थी तो निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई। तो फिलहाल हम हड़सर पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन टाइम 8:30 का हो चुका है, आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, वो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं बैक साइड में पार्किंग गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी सारी जगह पर हमने लंगर वगैरह देखे, और कई जगह पे रुके भी थे। और भी काफ़ी सारे लंगर हैं, रास्ते में भी थे और आगे भी मिलेंगे। फ़िलहाल बता रहे हैं कि ऊपर तक काफ़ी सारे लंगर लगे रहते हैं। फ़िलहाल हम अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें लगेगा पहुंचने के लिए। फ़िलहाल कब पहुंचेंगे ऊपर वो तो कह नहीं सकते। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरी की पूरी पार्किंग वगैरह लगी हुई है, ये बिल्कुल फ्री पार्किंग है। तो यहाँ से जो यात्रा है वो स्टार्ट पॉइंट है, फिलहाल हम आगे जा रहे हैं। ये सारी की सारी शॉप अभी जो है वो लेटेस्ट लगी हुई हैं यात्रा के लिए, फिलहाल उसके बाद ये सारी की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अभी ये चल रही हैं, तो ये है लास्ट पॉइंट। यहाँ से जो यात्रा का ट्रैक है वो मेन स्टार्ट होता है, तो फिलहाल हम यहीं से निकलेंगे आगे। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ से सफ़र कितना रहेगा। ये हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं वो जो ट्रैक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जो ट्रैक है वो काफ़ी जोखिम भरा है, तो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है सवारी के लिए, जैसे घोड़ा सवारी, पालकी, जो भी है, यहाँ जहाँ की आप अगर किसी साधन से जाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप वगैरह मिलेंगी। और यहाँ पे थकान की वजह से कुछ देर रुकेंगे और फिर चलेंगे आगे, क्योंकि सफ़र हमने काफ़ी अभी तक किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोगों का रश है, और रास्ता जो है वो काफ़ी जाम हो चुका है, क्योंकि रास्ता काफ़ी छोटा है। हर हर महादेव। फिलहाल काफ़ी जो यात्रु है वो यात्रा करके आ रहे हैं यहाँ से, और ये रास्ता हमें यहाँ से क्रॉस करते जाना है, और आगे जो ट्रैक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। फ़िलहाल
यहाँ पे चलना काफ़ी रिस्क भरा है और नीचे की तरफ काफ़ी गहरी खाई है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी छोटे बच्चे और इसने बैग में सामान देखिए कितना उठा रखा है, और इससे भी काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो यात्रा कर रहे हैं। इस तरफ जो रास्ता था वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुका है, तो फिर हर बार रास्ता जो है वो चेंज होता रहता है, तो ट्रैक के लिए रास्ता जनता जो है वो खुद ही बना लेती है। इस तरीके से आप सवारी भी कर सकते हैं, जहां तक आप चाहते हैं वहां तक। अभी थकान की वजह से कुछ देर हम यहाँ पे आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और यहाँ पे आपको नाइट में रहने के लिए भी साधन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साधन ऐसे बना रखे हैं नाइट के लिए। तो फ़िलहाल हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं आगे, और यहाँ पे भी एक लंगर का साधन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे जो पुल था लक्कड़ का वो टूट चुका है काफ़ी ज़्यादा पानी आने की वजह से, तो उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। अभी ऊपर एक लोहे का ब्रिज बनाया जा रहा है, और जो छोटा ब्रिज है वो नीचे लक्कड़ का है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रश है। फ़िलहाल हम उसी को क्रॉस करेंगे, और दूसरे के लिए काफ़ी अभी टाइम लगेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है ब्रिज जो बना हुआ है, काफ़ी रिस्क भरा है, तो फिलहाल हमें भी इसे क्रॉस करके आगे निकलना है। तो चलिए हम निकलते हैं। तो इस एरिया में देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि दोनों साइड से रश जो है वो जाम लगा देता है। पहले एक साइड से क्रॉस किया जाता है और फिर दूसरी साइड से क्रॉस किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ। ये देख सकते हैं कितनी पब्लिक रुकी हुई है अभी भी, तो इनको एक साइड से क्रॉस करके फिर दूसरी क्रॉस करवाए जाएंगे।